हेलो एवरीवन वन स्टार्ट करते हैं चैप्टर एट्थ टेंथ क्लास का जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ये आपने थोड़ा बहुत एट्थ क्लास में भी पढ़ा है एंड बाद में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ट्वेल्थ में भी पढ़ेंगे बट अभी हम लोगों को जो टेंथ वाला है वो कवर करना है So before we discuss the mechanism by which organism reproduce, let us ask a more basic question: Why do organism reproduce? तो so, मतलब इससे पहले कि हम समझें कि organisms जो reproduce करते हैं क्या mechanism है क्या process है वो सारी चीजों से पहले जो main point है वो ये है कि organism reproduce करते क्यों हैं मतलब क्या need है यहाँ पे organisms को reproduce करने की Now, सबसे पहले तो मैं आपको ना एक चीज बताऊंगी कि जो ये टर्म है रिप्रोड्यूस आप इसको देख सकते हो उसको अगर उसकोट करोगे री प्रोड्यूस दोबारा से प्रोड्यूस करना तो यहाँ पे दो इंडिविजुअल क्या करते हैं दे आर रिप्रोड्यूसिंग दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड वो जो बनाते हैं मतलब जो आगे की जनरेशन दे फॉर्म उसको हम लोग ऑफ स्प्रिंग कहते हैं वॉट डू वी कॉल इट ऑफ स्प्रिंग मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग उसको ऑफ स्प्रिंग कहते हैं सो so, रिप्रोडक्शन की वैसे तो इट्स नॉट अ लाइफ प्रोसेस जिससे मतलब जिस पे किसी इंडिविजुअल की लाइफ डिपेंडेंट है मतलब इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोगों के लिए रेस्पिरेशन हो गया न्यूट्रिशन हो गया एक्सक्रीशन हो गया वैसे उस टाइप से ये लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना कि रिप्रोडक्शन इज जरूरी मतलब एसेंशियल है क्यों है ये बाकी जैसा लाइफ प्रोसेस नहीं है बट एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है तो क्यों क्योंकि अभी वैसे तो इसका आंसर आगे देखेंगे बट एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं ऑन द अदर हैंड इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंड इन द प्रोसेस तो अगर कोई इंडिविजुअल एक और इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा है तो देखो इसका कोई इट्स नॉट समथिंग जिससे लाइफ प्रोसेस पे फर्क पड़ रहा है किसी इंडिविजुअल की लाइफ पे फर्क पड़ रहा है लेकिन तब भी वो ये काम करते हैं एंड वाई इट इज डन वट इज द इम्पोर्टेंस वो हम देखने वाले हैं तो आगे तो वैसे देखेंगे नॉर्मली आपको चीज बताती हूँ किसी भी स्पीसीज को अपने आप को आगे बढ़ाना है तो रिप्रोडक्शन इज मस्ट अगर कोई काव, जैसे नॉर्मली बोले हम लोग वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो क्या होगा फाइनली एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ सालों बाद देर विल बी नो लेफ्ट ऑन द अर्थ तो आज हम जो स्पीसीज देख रहे हैं जितनी भी हैं वो सब एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो हुआ है उसका नतीजा है तो ह्यूमन ह्यूमन बींगस जो हम आगे देखेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन सो वट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इट इज ऑब्वियस डेट वी नोटिस ऑर्गेनिजम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस हम लोग किसी को भी नोटिस कर रहे हैं सिंपल सी बात है कोई डॉग है कोई कैट है एनी अदर इंडिविजुअल हम उनको नोटिस इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज दे रिप्रोड्यूस इफ दे आर वो बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ अ पर्टिक्युलर काट इज डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस मतलब की अगर पहली बात को तो सिंपल सी बात है कि कोई हमें पता हो कि ये रिप्रोड्यूस उसने किया ही नहीं है हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हम जो आज देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है कभी ना कभी क्या है ये जो लार्ज नंबर में ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग आज देख पा रहे हैं एंड वो किसका रिजल्ट है इट इज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक है समझ में आया नाउ हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीज हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों इंडिविजुअल या दो जो जानवर देख रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर हम चीज देख रहे हैं ये सेम स्पीसी से बिलोंग करती है तो यहाँ पर लिखा है यूजली वी सी वी से बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर हम इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि दे लुक सिमिलर देखने में सिमिलर लगती है दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक दैम सेल्फ तो रिप्रोड्यूस करने से ऑर्गेनिज्म ऐसे इंडिविजुअल्स को क्रिएट करते हैं जो काफी हद तक देखने में सेम लगे, लुक मच अलाइक, ठीक है? तो हम लोगों ने ये क्यों बोला क्योंकि रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं और दे लुक वेरी मच लाइक देम सेल्फ आपको इस छोटे हैं ना निचोड़ बताती थी तो सबसे पहले हमने देखा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जरूरी क्यों है या होता क्यों है भले ही वो एक न्यूट्रिशन डाइजेशन की तरह इंपॉर्टेंट प्रोसेस ना हो लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट पॉइंट कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन हम लोग अगर कोई भी जनरेशन देख पा रहे हैं आज कोई भी इंडिविजुअल देख पा रहे हैं तो वो इसका नतीजा है कि किसी टाइम पर रिप्रोडक्शन हुआ था दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि दो एनिमल्स हैं दो पर्टिकुलर कोई भी मतलब पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स हैं तो हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि दे लुक सिमिलर टू ईच अदर दे आर वेरी मच सिमिलर इसलिए हम उनको देख पाते हैं ठीक है आई थिंक इट इज डन नाउ थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ये वाला पर्टिकुलर पार्ट part हम और पढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे ये जो चैप्टर है मैं आपको पार्ट्स में पढ़ाऊंगी और अगर आपको सारे पार्ट देखने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेंथ साइंस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी आप सीधे उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी वना डायरेक्टली आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं टेंथ साइंस के अंडर में तो आपको अपने काम की जो इफॉर्मेशन है जो वीडियोज है वो वहां पर मिल जाएंगी बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा चेक कर सकते हैं सो ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर ऑर्गेनिज्म एक, एकदम सेम दिखते हैं क्योंकि तो उनके बॉडी डिजाइन सिमिलर होते हैं ठीक है इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर द ब्लू प्रिंट्स फॉर डिजाइन शुड बी सिमिलर मतलब जहां से वो आए हैं ब्लू प्रिंट्स मतलब बेसिकली अगर आज हम कोई चीज देख रहे हैं तो वो जिससे आई है वो भी सिमिलर होना चाहिए ठीक है दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लू प्रिंट्स ऑफ बॉडी डिजाइन एक ये इंडिविजुअल है ये ब्लू प्रिंट इसकी कॉपी निकल गई ठीक है तो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जस्ट एग्जैक्ट कॉपी हुई ये और ये ही रिप्रोडक्शन है जनरली अगर हम लोग पैसे तो आगे डिफरेंस पढ़ेंगे ये सेक्शुअल में ये सेक्शुअल में बाकी सारी चीजें बट नॉर्मली एकदम कॉपी हो जाता है जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की ठीक है इन क्लास नाइन्थ वी लर्न दैट द क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डी एन ए दैट इज डी न्यूक्लिक एसिड मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ हमने नाइन्थ में क्या पढ़ा था कि जो क्रोमोजोम होते हैं न्यूक्लियस ऑफ अ सेल सेल के न्यूक्लियस में उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिससे पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में कुछ चीज ट्रांसफर होती है और वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है डीएनए पेरेंट्स का डीएनए हमारे अंदर आ जाता है सिंपल सी बात है हम लोग अपने पेरेंट्स से कई हद तक सिमिलर है ठीक है शक्ल एकदम सेम टू सेम सिमिलर नहीं होगी बट कुछ आदतें कुछ फीचर दे ऑलमोस्ट सिमिलर टू अवर पेरेंट्स एंड उसका रीजन यही है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो ट्रांसफर हुई है तो जो है, जो हैं न्यूक्लियस में होते हैं हमारे सेल्स के के न्यूक्लियस अंदर अंदर उसके इंफॉर्मेशन अंदर होती है है जो एक से दूसरे पेरेंट्स तक जाती है। अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अभी इजी है ट्वेल्थ में जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा बट जितना जितना इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कवर कर लेंगे ठीक है नाउ डीएनए डीएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए डी एक्स रिबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल तो यही सब चीजों की जड़ है जिससे कहते हैं ना डीएनए में मैच हो गया देखो कई बार क्या होता है कहीं पे जैसे एक क्राइम सीन होता है या कुछ भी होता है तो वहाँ पे कोई बाल मिल गया या कुछ भी ऐसा फिंगरप्रिंट्स मिल गए कुछ कुछ भी बॉडी का कुछ पार्ट मिल गया ब्लड मिल गया तो वो कहते हैं कि हम इससे पता लगा लेंगे कि, कि किसका है तो सेम वे में अगर किसी बच्चे का हमारे पास है कि थोड़ा भी कुछ भी बाल का सैंपल तो हम पता लगा सकते हैं कि पेरेंट्स से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि सेम पापा है या मम्मी है रीजन बी क्योंकि ये डीएनए सारा रोल प्ले करता है इस चीज में और पता लगाने में हेल्प करता है कि जो भी बच्चे हैं तो वो पेरेंट्स से रिलेटेड है कि नहीं है तो उनका डीएनए मैच करता है ठीक है द द द डीएनए इन सेल न्यूक्लियस इज इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन सेल न्यूक्लियस में ये जो डीएनए होता है ये क्या करता है प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है ठीक है प्रोटीन्स बनाने में इफ दिस इन्फॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड अगर इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई जिससे ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली बन रही है तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनेंगे डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन मतलब सपोज उसने क्या बोला ये डीएनए है ये बनाएगा प्रोटीन ठीक है इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन है जिससे प्रोटीन बनेगा थोड़ा भी चेंज हो गया तो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनेगा सेम टू सेम प्रोटीन तो नहीं बनेगा देअर फॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीएनए कॉपी होना मतलब बेसिक इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिप्रोडक्शन में होती है कि डीएनए कॉपी हो जाता है सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए सेल क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन मतलब होता है सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन ताकि वो डीएनए की कॉपी बना सके तो डीएनए एप्लीकेशन होता है पूरा इवेंट अगेन आई एम टेलिंग यू कि अभी हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना कि पढ़नाशन कैसे होता है क्या होता है अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि अच्छा ये हो रहा है तो कहां कहा, तक कितना कितना हो रहा है थोड़ी थोड़ी चीजें देखनी है ठीक है तो इससे क्या होता है दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ द डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर तो क्या होगा दो कॉपीज बनेंगी डीएनए की और उनको हमें सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी ठीक है Uh, तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में होती हैं जब रिप्रोडक्शन होता है ये इवेंट ऑटोमेटिकली होता रहता है हाउ एवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क एक सेकेंड रुको बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेल्यूलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA एंड देन एंड देन डी एन ए कॉपी सेपरेट ईच विद वैसे मैं आपको एक replication की बात बता रही थी ना तो ये replication की ही बात हो रही है कि इसने क्या बोला कि सपोज बाय लाइन टू लाइन चलते हैं इसने क्या बोला दो कॉपी बनती है डीएनए की रिप्रोड्यूसिंग सेल में और फिर हम उनको अलग करते हैं एक दूसरे से ठीक है जो आगे सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है उसमें दो कॉपी बनेंगी और हम दोनों को अलग करेंगे लेकिन आ, सिर्फ एक कॉपी हम अगर सेल में रखें जो रिप्रोड्यूस कर रहा है और बाकी की कॉपी को भेज दें तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि सेल में एक कॉपी रखी जो रिप्रोड्यूस कर रहा है बाकी की कॉपी को भेज दिया दिस वुड नॉट वर्क बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेल्युलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस बिकॉज जो कॉपी पुश्ड आउट हो जाएगी जो कॉपी बाहर चली जाएगी उसमें क्या होगा प्रॉपर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा कि वो लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रख सके मतलब वो अकेले काम की नहीं रहेगी तो इसलिए ये जो डीएनए की कॉपिंग होती है ये भी क्या होता है प्रॉपर एक अच्छे से सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है जिसमें सेल्युलर अपेराटिस्ट एक्स्ट्रा बनता है एंड डीएनए की कॉपीज सेपरेट होती हैं जिसमें अपना अपनी इंफॉर्मेशन जाती है तो ऐसे अगर वो सेपरेट हो रहा है तो इसमें अपनी अपनी इंफॉर्मेशन है ये नहीं कि ये अलग चला गया एक कॉपी को यहीं रख लिया नहीं अगर कॉपी बनी है दो तो अलग अलग तरह से उसको सेपरेट करा जाएगा सो अ सेल डिवाइड टू गिव राइज टू न्यू सेल तो यहां दोनों में वो डीएनए आएगा और दोनों में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगी फिर से सुनिए वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर दो यहां पार्ट बने हैं तो एक को मैं ट्रांसफर कर दूं और एक को रखूं तो क्योंकि ये जो एक है ना इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे साथ ये होता है कि अगर एक सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है तो डिविजन इक्वल होता है आधी इंफॉर्मेशन यहां आधी इंफॉर्मेशन यहाँ सेल अपराटिस प्रॉपर बनता है अब इसने क्या बोला ये जो तो दो सेल बने हैं, ये सिमिलर होते हैं क्या बट क्या ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं ये आंसर का क्वेश्चन डिपेंड करेगा मतलब कितना हो रहा है किस टाइप से, किस, कितने लेवल पे हो रहा है नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एप्स्यूटली रिलायबल देर फोर इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द वेरिएशन ईच टाइम हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट सेम चीज कॉपी हो जाएगी हर बार अगर कोई भी चीज नॉर्मली कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो जब भी डीएनए कॉपी करेगा कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट जब डीएनए कॉपी होगा हर बार कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगी इंडिविजुअल इफ दे रिप्रोड्यूस तो वो सेम टू सेम नहीं बनाते हैं दे वेरिएशन यस, इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें सेम टू सेम कॉपी होता है बट स्टिल अगर आप लोग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो देअर विल बी वेरिएशन नाउ सम ऑफ दीज वेरिएशन माइड बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डी एन ए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेल्यूलर अपेरेटिस इट इनहेरिट सच अब बोर्न सेल विल सिंपली डाई कई बार इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है इस कॉपी करने वाले में कि जो नया सेल बना है सपोज एक तो ये इनहेरिट किया सेल अपटस और इसी की कॉपी है ये तो ये इतना नया है कि ये इनहेरिट करने वाले सेल के साथ काम नहीं कर सकता एंड इवेंचुअली दे विल डाई ठीक है ऑन द अदर हैंड there could बी मेनी अदर वेरिएशन इन in DNA copies कॉपीज दैट वुड नॉट लीड टू सच अ outcome. आउटकम उसने क्या बोला दूसरे हाथ पे क्या हो सकता है There कुड स्टिल बी मेनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपीज मतलब चेंजेस भी हो सकते हैं जिससे इतना drastic आउटकम नहीं होगा मतलब इतना बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा वेरिएशन विल बी देयर बट इतना बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा सिंपल सी बात है एक चीज अगर कैरी फॉरवर्ड हो रही है ये सेल अपराटस कैरी फॉरवर्ड हुआ तो ये इसके साथ मिलके काम कर रहा है ठीक है उसके अलावा एक मिनट रुकी हाँ द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तो अगर कोई चीज आई है तो दे आर लाइक like, काम साथ में कर रहे हैं सिमिलर हैं लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंस वेरिएशन देखने को मिलता है दिस इन बिल्ड टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन इज धीरे धीरे हर एक एनिमल हर एक ऑर्गेनिज्म इट इज रिप्रोड्यूसिंग एंड वो कुछ चेंजेस ला रहा है ना अगर आगे वाले पार्ट में अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएशन की इम्पोर्टेंस बट जरूरी क्यों है ये इम्पोर्टेंस ये इम्पोर्टेंस ये मतलब ये वेरिएशन जरूरी क्यों है क्योंकि बिना चेंजेस के कोई स्पीसी सर्वाइव नहीं कर पाएगी जैसे अब मैं एक बात करती हूँ आप लोग पहले एक जमाने में आ, सिर्फ स्कूल से जाके पढ़ते थे आपको कंप्यूटर सपोज नहीं चलाना आता था फोन चलाना नहीं आता तो जूम या कोई भी लिंक या कोई ऐसी चीज़ चलानी नहीं आती थी लेकिन आपको पता चला कि कोरोना आया नाउ इट इज टाइम कि हम लोगों को थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा अब हमें ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा कुछ टाइम तक या तो आप दो चीज़ें करते हैं आप सीखते ही नहीं आप कहते नहीं हमें नहीं सीखना हम चेंजेस नहीं करेंगे कुछ भी तो आप बिल्कुल क्या करते आप पढ़ ही नहीं पाते और फिर एक आपके पास ऑप्शन आया कि यार हमें चेंज होना पड़ेगा अब हमें थोड़ा टेक्निकलिटी सीखनी पड़ेगी हम लोग अच्छे से समझेंगे तो कंप्यूटर वगैरह भी सीखेंगे टैब फ़ोन हर चीज़ तो आपने थोड़ा वेरिएशन लाया इस वेरिएशन से आपका इवोल्यूशन हुआ अब आप बेटर तरीके से चीजें समझ पाते हो बेटर चीजें से आप सम, मतलब आप एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो नए तरीके के माहौल में दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन वेरिएशन जरूरी है सेम चीजें बॉडी के अंदर चलती रहेंगी तो कोई फायदा नहीं ना कोरोना का जो भी स्ट्रेन है इट इज म्यूटेटिंग उसको पता है कि वैक्सीन बन रहे हैं वैक्सीन बने जा रहे हैं वैक्सीन बने जा रहे हैं तो वही उसको भी एक ही टाइप से नहीं चल रहा है वो म्यूटेट कर रहा है पहले ये म्यूटेशन म्यूटेट मतलब चेंजेस जो आने होते थे ये जल्दी आते थे अब मतलब लेट आते थे अब ये जल्दी आने लग गए हैं तो आपको ये याद रखना है कि वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट बहुत द्रास्टिक वेरिएशन होंगे तो दिक्कत है लेकिन थोड़े थोड़े वेरिएशन देखने को मिले तो सेम है तो हमारे पेरेंट्स से एग्जैक्ट हर चीज सेम नहीं होगी कुछ चीजें उनकी जो हमने इनहेरिट करी है सेलापेरेटस वाली दे विल बी सेम कुछ चीजें जो नई बनी है दे वोंट बी द सेम हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि हाँ रिप्रोडक्शन इसके आसपास घूमता है जिसमें वेरिएशन इवोल्यूशन और क्या क्या चीज़ें ट्रांसफर हुई ये सब सीखना जरूरी है नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन ठीक है उसको थोड़ा ढंग से कवर करा दूंगी और इससे पहले हमने ये पढ़ लिया एक बार को कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं क्या ऑर्गेनिजम्स थोड़ा वेरिएशन होता है एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते बट फिर हम लोग एक बात करते हैं कि सेक्शुअल uh, रिप्रोडक्शन और ए सेक्शुअल रिपोडक्शन में क्या डिफरेंस है वो उसमें हम थोड़ा बहुत चेंजेस देखेंगे एंड देन बाकी के पार्ट्स में हम लोग फिजन फ्रेगमेंटेशन रिजनरेशन ये सारी चीजें कॉपी मतलब समझेंगे ठीक है तो आई थिंक वी हैव डन फॉर दिस वीडियो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे चैनल पे टेंथ साइंस प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं उस पर बहुत सारी वीडियोज मैंने डाली हैं कुछ चैप्टर्स की बायोलॉजी मेजर मैं कवर करती हूँ आप वो वीडियोज देख सकते हैं वरना नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है लिंक और प्लस और जो सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं टेंथ के तो आप उनको देख सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी आपको कुछ भी फायदा हुआ समझ में आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा आई सी यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच